बट अभी तो तुमने रुकने के लिए कहा, फिर बोल जाओ घर जाओ, अजीब है। एक मिनट, मैंने कब कहा? कहा ना तुमने अभी कि तुम देखना कितना फटाफट काम करता हूँ, अब जब मैं रुकूंगी नहीं तो देखूंगी कैसे। अरमान तुम यहाँ पूरी रात काम करते रहो और मैं घर जाके सो जाऊँ, ये मुझसे नहीं होगा। अच्छा चलो बैठो, फिर हेडलाइट चेक करनी है, चलो आज हो गए। अरमान तुम इतने फैमिलियर कैसे हो टूल्स के साथ? आई मीन ऐसा लगता है जैसे तुम इनके साथ ही उठते बैठते हो। आसमा ये सपना बचपन से मेरे खिलौने हैं और मेरा एक सपना है, मैं एक ऐसी कार बनाना चाहता हूँ जो दुनिया में किसी ने ना बनाई हो, तभी तो गैराज में पड़ा रहता हूँ। अरमान मेरे पापा कहते हैं अगर लगन मेहनत और सच्ची नीयत हो तो हर सपना पूरा हो सकता है। माता रानी इसके काबिल बनना भी मेरा एक सपना है और इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, प्लीज मेरा साथ देना। कबीर ने किया अरमान के साथ फ्रॉड। हमने देखा उदारिया के एपिसोड में किस तरीके से कुश्ती का मैच होता है और यहाँ पर अरमान को भी कुश्ती तो आती नहीं है लेकिन वो उसको पैसों की जरूरत है। हमने देखा था कि कबीर ने किस तरीके से उसका जो गराज है जिसमें वो काम करता है अरमान, वहाँ पर उसका जो मालिक है उसको खरीद लेता है पैसों से, और यहाँ पर वो जो ओनर है गराज का वो बोलता है अरमान से कि भाई या तो तुम मुझे 15 लाख रुपये दे दो या फिर मैं 2 दिन में तुमसे गराज छीन लूंगा। और अरमान कहता है कि भाई मेरे पास तो बहुत सारा काम आया हुआ है अभी और आप ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ, तो उसने बोला मुझे 15 लाख रुपए दे दो फिर। जिसके बाद वो देखता है कि कहीं पर एक कुश्ती का मैच अनाउंस हो रहा होता है और फिर अरमान उसे पार्टिसिपेट करता है। आसमा वहां पर ना अरमान को जाके समझाती भी है कि तुम कोई रेसलर नहीं हो और तुम्हें तो कुश्ती आती भी नहीं है, तुम हार जाओगे, ये बहुत बड़े बड़े कुश्ती वाले लोग हैं। और यहां पर अरमान बोलता है कि नहीं, और आसमा ये भी बोलती है कि भाई मैं तुम्हें पैसों से हेल्प कर दूंगी, तुम मेरे से ले लो पैसे, उसमें क्या दिक्कत है, फिर बाद में लौटा देना। तो अरमान वहां पर भी मना कर देता है, बोलता है कि नहीं मैं तुमसे हेल्प नहीं लूंगा और मैं अपने बलबूते पे सब करना चाहता हूँ। फिर वहां कुश्ती का मैच होता है और कुश्ती के मैच में हम देखते हैं कि जो अरमान है वो जीत जाता है, जिसे देखकर ना आसमा बहुत खुश होती है। और यहाँ पर जो कबीर का प्लान होता है वो थोड़ा थोड़ा फेल दिखता है क्योंकि कबीर ने तो यही सोचा था कि वो उसकी जान चली जाएगी, वो कुश्ती लड़नी नहीं आती उसको, अब वो मर जाएगा। तो यहाँ पर अरमान जीत जाता है और फिर कबीर दूसरा अपना प्लान चलता है, वो दिलवाता है उसको 25,000 रुपए। तो यहाँ पर अरमान बोलता है 25,000 रुपए, यहाँ तो 15 लाख की बात हुई थी और मुझे तो पूरा पैसा चाहिए। एक डायलॉग आता है कबीर का कि भाई अभी तो शुरुआत, अभी तो देखो आगे आगे और क्या ट्विस्ट होता है। तो अब कबीर चलने वाला है दूसरी चाल, तो अब देखना होगा कि कबीर अब क्या चाल चलेगा। हमने देखा था कि जो कबीर और आलिया है उन दोनों ने हाथ मिला लिया है, आलिया भी वहां पर अपने घर पे प्लानिंग कर रही है। आलिया किस तरीके से नाटक करती है, अरमान और आसमा को मिला देती है और बोलती है कि भाई तुम एक दूसरे के लिए बने हो, और फिर उसके बाद बोलती है कि मैं घर छोड़ के यहां से सब छोड़ के जा रही हूं, तुम लोगों से दूर जा रही हूं, जिसके बाद उसको रोक लेते हैं। तो यहां पर आलिया ने भी अपनी प्लानिंग चल दी है और कबीर भी अपना प्लानिंग चल रहा है क्योंकि भाई कबीर तो आसमा को पाना चाहता है और जो आलिया है वो अरमान को पाना चाहती है। तो देखना होगा कि क्या ये दोनों मिलकर इन दोनों को अलग कर पाएंगे, अरमान और आसमा को, और क्या आसमा और अरमान के सामने आ पाएगा कबीर का सच, क्योंकि भाई अभी तो उसको पैसों की बहुत जरूरत है। और जहां पर जब ये पता लगता है कि सिर्फ 25,000 रुपए मिलेंगे तो क्या इन सबके पीछे कौन है, इन सबके पीछे कबीर है और आलिया है, क्या अरमान और आसमा पता लगा पाएंगे।